हेलो गाइज एंड वेलकम टू एट वार मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लॉन्ग राइड्स के लिए पल्सर 150 डुअल डिस्क मॉडल कैसी रहती है। तो गाइज वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ ये बाइक डुअल डिस्क वेरियंट है। यहाँ पर आपको सिंगल डिस्क वेरिएंट भी आता है पल्सर 150 का। यहाँ पर आपको सीट कुछ ऐसी मिलती है, स्प्लिट सीट है। अब ये राइडर के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन पिलियन के लिए क्या है, यहाँ पर कंफर्ट मिल जाएगा लेकिन जब भी ब्रेक मारूंगा मैं, मतलब राइडर मारेगा ब्रेक, तो ये खिसक के आगे की तरफ आ जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। बाकी आपको बता दूँ, ये डुअल डिस्क वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको थोड़ा स्पोर्टी लुक्स मिल जाते हैं और यहाँ पर बड़े डिस्क मिल जाते हैं। डुअल डिस्क तो मिलता ही है ना, ये भी बात याद रखो कि यहाँ पर किक नहीं मिलता आपको। डाउनसाइड ये एक हो जाता है इस बाइक का, 150 की बैजिंग यहाँ मिल जाती है। रियर की प्रोफाइल भी थोड़ी स्पोर्टी मिलती है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मॉडल, और 120 सेक्शन का टायर है। अब ये लॉन्ग राइड्स के लिए कैसी है बाइक आपको चलाते हुए बताता हूँ। 790 mm की सीट हाइट है, 5 फीट 2 इंच होगी आपकी हाइट, तो भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं, या 5 फीट 3 इंच होगी तो भी। मेरे तो दोनों पैर बहुत आराम से पहुँचते हैं क्योंकि मेरी हाइट तो 5 फीट 9 इंच है, सभी बाइक में मेरे को सूटेड है हाइट, मेरी अच्छी हाइट है यार। और यहाँ पर आपको बता दूँ, क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। राइडिंग पोजीशन जो है आपको थोड़ा लीन होना पड़ता है, लेकिन कंफर्टेबल है राइडिंग पोजीशन। ऐसा कुछ नहीं कि R15 जैसा पीठ दुखेगी, कुछ नहीं होता। आराम से आपको हाथ रखना है ऐसे, एक्सेलेरेटर बोल दिया मैंने, सेल्फ स्टार्ट दबाना है। और यह है इसका इंजन किल स्विच। और यहाँ से अपन बाइक निकालेंगे। GoPro ने तो धोखा नहीं दिया ना। हाँ, GoPro धोखेबाज है बहुत बड़ा, इसलिए देखते रहना पड़ता है। ये रहा अपनी बाइक का इनिशियल। टेस्ट ड्राइव अपने चैनल पर है, चेकआउट कर लो। बाकी बाइक लॉन्ग राइड्स के लिए कैसी है देखो। अभी फ़िलहाल हाईवे पर है ना, अपन उस हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। जब भी आप हाईवे पर जाते हैं तो आप पिकअप देखना चाहते हैं बाइक का, तो यहाँ पर आपको पिकअप बहुत भरपूर मिलता है 150 cc के हिसाब से। ऐसा नहीं लगता कि बाइक अंडर पावर है, बाइक के अंदर पावर भरपूर मिलती है आपको। पावर और तो छोड़ो, लॉन्ग राइड्स पर क्या होता है, कम्फर्ट लेवल को ज़्यादा ध्यान रखते हैं लोग। तो यहाँ पर आपको थोड़ा लीन होकर बैठने से क्या होता है, हाथ में दर्द देगा, ऐसा बहुत सारे लोग शिकायत करेंगे कि जो लीन होके बैठते हैं लोग, या फिर लीन होने की बाइक होती है, राइडिंग पोजीशन वैसी है तो बहुत सारे लोगों के हाथ में दुखने लगता है। तो ऐसा मेरे को तो कुछ दिखा नहीं, सिर्फ अलबत्ता ये हुआ कि यहाँ पर लाल लाल हो गया हाथ, हाथ दुख नहीं रहे मेरे। मैंने अच्छा खासा राइड किया है इस बाइक को, ऐसा नहीं कि बाइक बहुत कम चलाई, मैंने अच्छा खासा चलाई है। लॉन्ग राइड्स के लिए बाइक मेरे तरफ से तो कुछ शिकायत नहीं है। अगर मैं पिनियन के साथ राइड करूँगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। कंफर्ट लेवल आपको ना पीठ में दर्द देगा, ना आपको पैर में दर्द देगा, ना हिप्स में दर्द देगा, या फिर आपके हाथ में कहीं भी दर्द नहीं देगा। लॉन्ग राइड्स के लिए अच्छी है बाइक, कहीं पर भी आपको ऐसा दिखता नहीं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिल जाती है आपको। टैंक कैपेसिटी 15 लीटर की होने की वजह से फ़ायदा क्या होता है आपको बता दूँ, ज़्यादा आपको पेट्रोल पंप के चक्कर लगाने नहीं पड़ते जो कि दूसरे बाइक्स में लगाना पड़ता है। यहाँ पर आपको टैंक कैपेसिटी ज़्यादा मिल जाती है, 15 लीटर कम नहीं होती, अच्छी खासी टैंक कैपेसिटी है। और माइलेज के हिसाब से इसका माइलेज आपको 40 से लेकर 55 तक मिल सकता है। अगर हाईवे पर चलाएंगे तो 55 तक का माइलेज निकाल के देगी ये बाइक लॉन्ग राइड्स के लिए, उसलिए भी अच्छी रहती है। तो 55 के हिसाब से, अब चलो 55 छोड़ो, 50 का पकड़ेंगे अपन, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है एवरेज। तो 50 से अपन 15 को ये करेंगे मल्टीप्लाई, तो 750 किलोमीटर आप कंटिन्यूस राइड कर सकते हैं बिना पेट्रोल पंप के चक्कर लगाए, ये एक फ़ायदा होता है आपको। दूसरा यहाँ पर आपको बता दूँ, बाइक का वेट 150 kg है। वेट बहुत ज़्यादा है, मानता हूँ कि वेट में कोई ये नहीं कि इसके कंपैरिजन में दूसरे बाइक लाइट वेट आते हैं। लाइट वेट होने का फ़ायदा भी है अलग, और हैवी वेट होने का फ़ायदा नुकसान दोनों अलग होते हैं। यहाँ पर हैवी वेट हो जाता है, 150 kg मतलब हैवी वेट हो गई बाइक, लेकिन स्टेबिलिटी टॉप नॉच स्टेबिलिटी है यार बाइक के अंदर, स्टेबिलिटी की कमी नहीं है। बाइक मैं 100 के ऊपर भी राइड करूँगा तो मेरे को कुछ ऐसा विंड ब्लास्ट से टेंशन नहीं आएगा, बहुत आराम से ये बाइक चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही थी मेरे को, बहुत अच्छी खासी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही थी मेरे को। इस बाइक के अंदर आपको यूनिकॉर्न और FZ के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी अच्छी मिल जाती है। तो हाईवे पर स्टेबिलिटी अच्छी होना मतलब राइड क्वालिटी और अच्छी बढ़ जाना, राइड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है बाइक के अंदर। बाकी डबल डिस्क का फ़ायदा तो होता है यार, यूनिकॉर्न के अंदर नुकसान है क्योंकि ड्रम ब्रेक के अंदर क्या होता है, आवाज़ आने लगती है अगर पानी जाता है, तो वो एक मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है यूनिकॉर्न के अंदर, जो कि इसके अंदर नहीं है। डुअल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS है, ABS रहने की वजह से सेफ्टी भी आती है। लॉन्ग राइड्स के लिए ले जाना हो बाइक को, मैं कहना चाहूँगा ग्राउंड क्लियरेंस एक चिंताजनक बात है। इसके अंदर 165 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस आता है, थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े गड्ढों में जाएंगे तो मेन स्टैंड स्क्रैच होगा और सामने बेली पैन आता है, अगर वहाँ पर टच लग गया वो एक अलग नुकसान होगा। तो यहाँ पर बेली पैन का एक ध्यान रखो, और ग्राउंड क्लियरेंस उतना ज़्यादा नहीं है वो भी सोच के चलाओ, कम नहीं है लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है, उस हिसाब से चलाओ। नहीं तो आप बोलेंगे कि बाइक तो अच्छी है चलो ऑफ रोडिंग करेंगे, तो ऑफ रोडिंग सेंट्रिक बाइक नहीं है ये, एडवेंचर बाइक समझ के मत चलाओ इसको।
और मैं कहना चाहूँगा यूनिकॉर्न और एफजी को भी वैसे मत चलाओ, यूनिकॉर्न के अंदर हाई ग्राउंड क्लियरेंस, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सस्पेंशन सेटअप सॉफ्ट है यूनिकॉर्न का, तो उसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है उसका भी, तो उधर भी ध्यान दे के चलाओ कि ऑफ रोडिंग के बाइक नहीं है ये, इंसान ऐसे चलाओ थोड़ा बाइक को, ज़्यादा रफ मत राइड करो, अच्छे से चलाओ बाइक्स को। और ये बाइक मैं कहना चाहूँगा हाईवे सेंट्रिक है, अच्छी है, माइलेज आपको अच्छा खासा निकाल के देगी। और रही बात इंजन की, तो यहाँ पर आपको 150 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 14 bhp की पावर देता है और टॉर्क देता है 13.2 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियरबॉक्स। गियरबॉक्स भी अच्छे आते हैं बाइक के अंदर, कुछ गियरबॉक्स का इशू नहीं है, अच्छे खासे गियरबॉक्स हैं इसके अंदर, अच्छे खासे गियरबॉक्स का मतलब स्मूथ गियरबॉक्स हैं, ऐसा कुछ कमी नहीं है गियरबॉक्स के अंदर, अच्छा खासा आपको स्मूथ गियरबॉक्स देखने को मिलता है। और स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो 4-स्ट्रोक इंजन है, DTSI है और 2-वेल्व आते हैं इसके अंदर। माइलेज तो मैंने बताया आपको 40 से लेकर 55 तक आपके चलाने की कंडीशंस पर डिपेंड करता है इसका माइलेज। बाकी आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, मोबाइल कनेक्टिविटी होना चाहिए था क्योंकि लॉन्ग राइड्स में आपको टर्न बटन नेविगेशन देखना होता है, इसके अंदर आपको वो नहीं मिलता और गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता। बाकी आपको इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और टैकोमीटर मिल जाता है एनालॉग में, और AFE1, AFE2, IFE1, IFE2 ये सब फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पूरे फीचर्स मिल जाते हैं, सिर्फ गियर पोजीशन इंडिकेटर और मोबाइल कनेक्शन की कमी है। और सेमी डिजिटल होने की वजह से फ़ायदा क्या रहता है, टैकोमीटर जो है एनालॉग में मिलने से आपको अच्छा खासा एड्रेनलिन रश करता है अपने अंदर, तो भगाने में मज़ा आता है उस कांटे को देखकर, जो उसकी काड़ी होती ना उसको देखकर आपको बहुत अच्छा दिखता है कि यहाँ पर आपको एनालॉग टैकोमीटर होने की वजह से आपको अच्छा खासा थ्रस्ट मिलता है, चलाने में मज़ा आता है और भगाने में भी। बाकी आप देख सकते हैं छोटे मोटे गड्ढों में से तो आराम से निकल जाती है बाइक ये, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm सफिशिएंट है इंडियन रोड की कंडीशंस के हिसाब से। खेत में वेत में मत ले जाओ बाइक को, अटक जाएगी बाइक। और रही बात इसकी प्राइसिंग की, अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होता है, राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पर बजाज पल्सर 150 डुअल डिस्क BS6 फेस 2 बाइक ऑन रोड पड़ती है 140,500 के प्राइस पर। 140,500 में आपको लॉन्ग राइड्स के लिए बाइक अच्छी मिल जाती है, इसके कंपैरिजन में यूनिकॉर्न और एफजी आती है। यूनिकॉर्न के अंदर भी आप आराम से लॉन्ग राइड्स कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या है, फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, दूसरा क्या है, पावर ज़्यादा मिलती है। लॉन्ग राइड्स में थोड़ा बहुत पावर की भी ज़रूरत पड़ती है और आप थोड़ा 80-90-100 की स्पीड में चलाते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल रहती है यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में। और एफजी का क्या है, एफजी की तो पावर आपको पता है 125 cc जैसे चलती है बाइक, वो पिकअप उतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करती जितना यूनिकॉर्न कर रही है या फिर अपनी पल्सर 150 करती है। तो आपको पिकअप सेंट्रिक बाइक चाहिए, माइलेज उतना ज़्यादा वेरी नहीं करता, तो आप इसके तरफ जा सकते हैं लॉन्ग राइड्स के लिए। बहुत सारे लोगों को क्या है, पल्सर 150 में डुअल डिस्क और स्टैंडर्ड मॉडल में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, किसी को लॉन्ग राइड्स करना है, किसी को सिटी कम्यूट करना है, ऐसा अपन पिकअप लेके कहीं से भी निकाल ले सकते हैं इस बाइक को। पल्सर का स्टैंडर्ड मॉडल 150 और डुअल डिस्क मॉडल 150, सेम इंजन आता है दोनों बाइक के अंदर, सेम स्पेसिफिकेशंस है, सिर्फ फीचर्स की और लुक का बदलाव है दोनों बाइक्स के अंदर। बाकी आपको स्पोर्टी बाइक चाहिए तो इसके तरफ जाओ, आपको माइलेज भी उतना ही मिलेगा दोनों बाइक के अंदर और स्टैंडर्ड मॉडल ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है डुअल डिस्क के सामने। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर 150 डुअल डिस्क लॉन्ग राइड के लिए कैसी रहती है ये सब वीडियो में बताया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।